So next we have question number 5. The point which divides the line segment joining the point 7, minus 6 and 3, 4 in the ratio 1:2 internally lies in the first quadrant, second, it third and fourth. So सबसे पहले हम सबसे पहले हम वो पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, एंड उसके बाद हम बताएंगे वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। so, देखो ये लाइन सेगमेंट गिवन है 7, -6, ठीक है, एंड 3, 4, और ये कोई पॉइंट है मान लो पी है, ठीक है, इसको मान लो एक्स कॉमा वाई, एंड ये डिवाइड कर रहा है इसको 1:2 में, ठीक है। एंड सो देखो एक्स इक्वल टू हम निकाल सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो ये अपने पास आ जाएगा एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। सो ये अपने पास आ जाएगा एम है 1, तो 1 × x2 दैट 1 × 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एन इंटू एक्स वन, तो एन है 2 और एक्स वन है 7, तो ये आ जाएगा 2 × 7 दैट इज 14 अपॉन 1 + 2 = 3, सो ये अपने पास आ जाएगा 14 + 3 = 17 / 3, ठीक है। अब हम y निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट, सो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। सो m है 1 एंड y2 है 4 एंड n है 2 एंड y1 है -6, ठीक है, एंड अपॉन m प्लस एन दैट इज 3, सो ये अपने पास आ जाएगा 4 एंड 2 × -6 हो जाएगा -12 अपॉन 3, तो y इक्वल टू वी गेट दैट -8/3। सो देखो अपने पास जो पॉइंट ऑफ p, जो p है अपने पास पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 17/3 एंड कॉमा -8/3। सो देखो इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है। सो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।